नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 13 अप्रैल का दिन। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते हैं 13 अप्रैल के दिन के। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आज के करेंट अफेयर्स हैं। दोस्तों प्रश्न की शुरुआत हम करेंगे, पहले आज के अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर दीजिएगा। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न का है दोस्तों, हाल ही में भारत किस भारत सरकार के कार्यक्रम को पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन हमारा उज्ज्वला योजना को, बी ऑप्शन हमारा है नमामि गंगे को, सी ऑप्शन हमारा है जनधन योजना को, या डी ऑप्शन हमारा है आयुष्मान भारत को। दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों, हाल ही में किस पदार्थ की एक नई अवस्था की खोज की गई। दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक नई अवस्था की खोज की है, इस पदार्थ की नई अवस्था का नाम क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक नई अवस्था की खोज की है, इस पदार्थ की नई अवस्था का नाम है चेन मेल्टेड स्टेट। क्या नाम है दोस्तों? चेन मेल्टेड स्टेट। पदार्थ की एक नई अवस्था की खोज की गई हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शक्तिशाली कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा पदार्थ की नई अवस्था की खोज की है। इस अवस्था को चेन मेल्टेड स्टेट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है दोस्तों? चेन मेल्टेड स्टेट, इस पदार्थ की नई अवस्था को कहा जा रहा है। पहले यह माना जाता था कि पदार्थ की केवल तीन ही अवस्थाएँ हो सकती दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस। यानी दोस्तों पहले यह अवधारणा थी कि पदार्थ की केवल तीन ही अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस। परंतु दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक चौथी अवस्था खोज ली है, उसका नाम है चेन मेल्टेड स्टेट। दोस्तों इसकी कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं जो नई पदार्थ की अवस्थाएं खोजी गई हैं। पहला दोस्तों, चेन मेल्टेड स्टेट में परमाणु एक ही समय में ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में होते हैं। उसके बाद वैज्ञानिकों ने शोध के दौरान पाया कि पोटेशियम पर अत्यधिक ताप व दाब डालने के पश्चात जालीनुमा ढांचे का निर्माण हुआ, जबकि कुछ हिस्सा द्रव अवस्था में था। इसके बाद दोस्तों सोडियम और बिस्मथ समेत आधा दर्जन से अधिक पदार्थ इस नई अवस्थिति को निर्मित करने में सक्षम हो सकते हैं। तो दोस्तों ये है चेन मेल्टेड पदार्थ की कुछ विशेषताएँ जो कि पदार्थ की अवस्था की चौथी श्रेणी है। आप इसे याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पदार्थ की हाल ही में नई चौथी अवस्था खोजी गई है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है चेन मेल्टेड स्टेट। तथा दोस्तों मैंने इससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है मैंने यहाँ पर उपलब्ध करा दिया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों इस पर लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। आज का दूसरा प्रश्न हमारा दोस्तों, हाल ही में किस भारत सरकार के कार्यक्रम को पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर खिताब से प्रदान किया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार का जो कार्यक्रम था नमामि गंगे, क्या नाम था दोस्तों? भारत सरकार का कार्यक्रम दोस्तों जिसका नाम था नमामि गंगे, उसको हाल ही में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। नमामि गंगे, जो स्वच्छ गंगा मिशन इसे कह सकते हैं या नमामि गंगे कार्यक्रम भी कह सकते हैं, इसी को दोस्तों हाल ही में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया गया। दोस्तों नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी नमामि गंगे भी इसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, लंदन में वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में पब्लिक वाटर इंटेलिजेंस द्वारा पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर के गौरव से सम्मानित किया गया। दोस्तों ग्लोबल वाटर अवार्ड्स वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो दुनिया भर में जल उद्योग के लिए प्रमुख व्यवसाय के लिए सम्मेलन है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों यह डिस्क्रिप्शन है कि दोस्तों नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को लंदन में वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः बेंजामिन नेतन्याहू को निर्वाचित किया गया है। किसको दोस्तों? हाल ही में पुनः बेंजामिन नेतन्याहू को लगातार पांचवी बार दोस्तों इनको इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इनके बारे में।
डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार चुनाव जीता है। उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी पार्टी ब्लू एंड व्हाइट पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और गठबंधन सरकार स्थापित करने के लिए नेतन्याहू के लिए रास्ता साफ हो गया। तो दोस्तों लगातार 5वीं बार, यहाँ पे पिक्चर आप देख पा रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जिनको इजराइल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है लगातार 5वीं बार, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर दोस्तों बात करें कुछ इजराइल की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे इजराइल का मैप है। इजराइल की प्रेजेंट टाइम में जो राजधानी है वो है एरूशलेम है। इसके प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं प्रेजेंट टाइम में इसके प्रधानमंत्री, या उसके बाद प्रेसिडेंट की बात करें तो सिमोन पेरेज इजराइल के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद मुद्रा की बात करें तो न्यू इजरायली सेकेल इसकी मुद्रा है, न्यू सेकेल इसकी मुद्रा है। उसके बाद दोस्तों भाषा की बात करें इजराइल की तो हिब्रू है। अगर बात करें इसके पड़ोसी देशों के बारे में, तो दोस्तों इसके पड़ोसी देश हैं इजिप्ट है, एलियाट है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबलॉन है, ये सभी दोस्तों इसके पड़ोसी देश हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इसके एक छोर पे डेड सागर है, डेड सी भी है, वेस्ट बैंक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सभी इसके बॉर्डर से लगते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जॉर्डन की राजधानी मैंने बताया, जॉर्डन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, तथा राजधानी एरूशलेम है, प्रेसिडेंट सिमोन पेरेज हैं, मुद्रा न्यू सेकेल है, भाषा हिब्रू है, तथा इसके पड़ोसी देश मैंने बताया इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबलॉन है, ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। तो इतनी सारी जानकारी आपको इजराइल से रिलेटेड याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, हाल ही में किसे उत्कृष्ट पीएसयू के लिए AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किसको, दोस्तों हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को उत्कृष्ट पीएसयू के लिए AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को उत्कृष्ट पीएसयू के लिए AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू के लिए प्रतिष्ठित AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 प्राप्त किया है। यह पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति हमारे जो थे प्रणब मुखर्जी द्वारा इंडियन ऑयल के अध्यक्ष संजीव सिंह को प्रदान किया गया। दोस्तों मैं यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं, ये है AIMA का जो अवार्ड है, मैनेजिंग इंडिया 2019 का अवार्ड। यहाँ पे हमारे जो तत्कालीन जो हमारे पूर्व में प्रधान राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों प्रणब मुखर्जी के द्वारा इंडियन ऑयल के अध्यक्ष संजीव कुमार को प्रदान किया गया, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, हाल ही में टीसीएस ने किसके साथ मिलकर उद्योग विशिष्ट क्लाउड सॉल्यूशन बनाने के लिए साझेदारी की है। तो दोस्तों हाल ही में TCS ने गूगल के साथ मिलकर उद्योग विशिष्ट क्लाउड सॉल्यूशन बनाने के लिए साझेदारी की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। हाल ही में टीसीएस ने गूगल के साथ मिलकर उद्योग विशिष्ट क्लाउड सॉल्यूशन बनाने के लिए साझेदारी की है। दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हैं आप, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने उद्योग विशिष्ट क्लाउड सॉल्यूशन बनाने के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है। तो दोस्तों आप इसे याद कर लीजिएगा, गूगल और टाटा कंसल्टेंसी मिल के साथ में विशिष्ट क्लाउड सॉल्यूशन बनाएंगी, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। कुछ बात करें दोस्तों अगर गूगल की, तो गूगल कंपनी जो है इसकी स्थापना 4 सितंबर वर्ष 1998 में, कब हुई थी गूगल की स्थापना, 4 सितंबर वर्ष 1998 में दोस्तों गूगल की स्थापना हुई थी। तथा इसके जो संस्थापक थे वो थे लैरी पेज और सर्गी ब्रेन थे। तथा प्रेजेंट टाइम इसके जो CEO हैं वो हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचाई, तथा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया USA में। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस प्रश्न से रिलेटेड याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, 6ठा प्रश्न, फोर्ब्स पत्रिका के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ग्राहकों द्वारा नंबर 1 बैंक के रूप में किसे चुना गया। दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है, तो उस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में उन ग्राहकों के द्वारा नंबर 1 बैंक के रूप में किसे चुना गया है, उस बैंक का आपको नाम बताना है। दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ग्राहकों द्वारा नंबर 1 बैंक के रूप में HDFC बैंक को चुना गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। ग्राहक सेवा में नंबर 1 पर जो बैंक है भारत में एक सर्वेक्षण में पाया गया है वो है HDFC बैंक। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट बैंक सर्वेक्षण, क्या सर दोस्तों
फोर्ब्स वर्ल्ड के बेस्ट बैंक सर्वेक्षण के अनुसार HDFC बैंक को भारत में ग्राहकों द्वारा नंबर वन बैंक के रूप में चुना गया है। इस सर्वेक्षण के पहले संस्करण में फोर्ब्स ने 23 देशों के सर्वश्रेष्ठ बैंकों को मापने के लिए मार्केट रिसर्च फर्म स्टेटिस्टिक्स के साथ समझौता किया था। तथा दोस्तों HDFC भारत के नंबर वन बैंक के रूप में चुना गया है। उसके बाद दोस्तों ICICI दूसरे नंबर पे है। उसके बाद दोस्तों SBI जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है उसको इस सर्वे में 11वां स्थान दिया गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ग्राहकों को समग्र सिफारिश और संतुष्टि के साथ साथ 5 प्रमुख विशेषताएँ या उप आयामों जैसे भरोसा, नियम और शर्तों, ग्राहक सेवाओं, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय सलाह पर बैंकों को रेट करने के लिए कहा गया था। तथा इन रेटों के आधार पर HDFC बैंक को भारत में ग्राहक सेवा में नंबर वन की रैंकिंग दी गई है फोर्ब्स पत्रिका के सर्वे के अनुसार। यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं HDFC बैंक जिसका लोगो दोस्तों यहाँ पे है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर बात करें हम HDFC बैंक के बारे में तो HDFC बैंक के जो संस्थापक है वो हैं बीबू वर्गीस। कौन है HDFC बैंक के दोस्तों जो संस्थापक हैं वो हैं बीबू वर्गीस हैं। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसके CEO व MD हैं आदित्य पुरी। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको HDFC बैंक से भी रिलेटेड याद रखनी है। तथा इसको हाल ही में इंडिया का नंबर वन बैंक चुना गया है फोर्ब्स पत्रिका के सर्वे के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या सात हमारी कह रही दोस्तों हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट फाल्कन हैवी ने अपना पहला वाणिज्यिक मिशन लॉन्च किया है। दोस्तों आपको बताना है किस अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट फाल्कन हैवी ने अपना पहला वाणिज्यिक मिशन लॉन्च किया। तो दोस्तों SpaceX यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों SpaceX जो कि एक अंतरिक्ष एजेंसी है इसके रॉकेट फाल्कन हैवी ने अपना पहला वाणिज्यिक मिशन लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड आपसे 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 2-3 प्रश्न भी बन सकते हैं। एक प्रश्न दोस्तों जैसे आपसे पूछ लेगा SpaceX एजेंसी का रॉकेट कौन सा है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा फाल्कन हैवी। अगर प्रश्न पूछ ले कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी SpaceX है, तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। अगर पूछ ले कि फाल्कन हैवी रॉकेट किस अंतरिक्ष एजेंसी का रॉकेट है, ये पूछने दोस्तों एक ही प्रश्न रिलेटेड 3-4 प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। इसी कारण दोस्तों मैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ जिससे आपकी एक प्रश्न रिलेटेड 3-4 प्रश्नों की तैयारी भी हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है दुनिया के सबसे शक्तिशाली परिचालन रॉकेट जिसका SpaceX के फाल्कन हैवी। क्या दोस्तों दुनिया के सबसे शक्तिशाली परिचालन रॉकेट जिसका SpaceX के फाल्कन हैवी ने अरबपति उद्यमी एलन मस्क की अंतरिक्ष एजेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन में आकर्षक सैन लॉन्च अनुबंधों को प्राप्त करने के लिए फ्लोरिडा से अपना पहला वाणिज्यिक मिशन लॉन्च किया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा SpaceX जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका जो हैवी रॉकेट उसका नाम है फाल्कन हैवी ने उसने पहली बार वाणिज्यिक मिशन लॉन्च किया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर दोस्तों हम बात करें SpaceX कंपनी की तो यहाँ पे देख पा रहे ये है SpaceX कंपनी, ये कहाँ की कंपनी है। तो दोस्तों SpaceX एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके संस्थापक हैं कौन है, इसके संस्थापक हैं एलन मस्क। कौन है दोस्तों SpaceX के जो संस्थापक है वो हैं एलन मस्क। अगर बात करें SpaceX के पूरे नाम की तो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन। क्या दोस्तों SpaceX की अगर बात करें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन कंपनी है। क्या है दोस्तों SpaceX निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। इसके संस्थापक जैसा कि मैंने बताया एलन मस्क हैं तथा इसके CEO भी एलन मस्क ही हैं तथा इसकी स्थापना 6 मई वर्ष 2002 को हुई थी। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न रिलेटेड याद रखनी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 8वां प्रश्न है हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राष्ट्र पदक ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया एक प्रश्न से संबंधित 3-4 प्रश्न बन सकते हैं घुमा फिरा के। दोस्तों यही एक प्रश्न है इससे मैं आपको 3-4 प्रश्नों की तैयारी करवा दूंगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले एक प्रश्न तो डायरेक्ट पूछा गया जो मैंने पूछा है हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एपोस्टल से सम्मानित किया गया, एक प्रश्न ये हो गया। अगर दूसरा प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों हाल ही में कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एपोस्टल सम्मान किस देश का सर्वोच्च सम्मान है,
ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसके तो एक ही तरह से घुमा फिरा कर दो तीन प्रश्न दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो इसी कारण दोस्तों मैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे दोस्तों आपकी संपूर्ण तैयारी हो सके। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रूस। कहाँ का दोस्तों? रूस का एक सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, जिससे दोस्तों नरेंद्र मोदी को हाल ही में सम्मानित किया गया। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों हाल ही में सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान पदक ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एपोस्टल, जो कि रूस का सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान है, से सम्मानित किया गया। दोस्तों बात करें डिस्क्रिप्शन की तो भारत व रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल, क्या नाम है दोस्तों अवार्ड का? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल, रूस के सर्वोच्च सम्मान सर्वोच्च राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। यह 7वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। आप इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, हमारे प्रेजेंट टाइम में जो पीएम है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को यह 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। इससे पहले दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात की सर्वोच्च नागरिक पदक मिल गया था, ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया था। इससे पहले दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक पदक ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया था। तो अब इसे भी याद कर लीजिएगा। अगर दोस्तों हम बात करें रूस के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में तो दोस्तों रूस की जो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो रूस दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश है एरिया के मामले में। किस मामले में? एरिया के मामले में दोस्तों रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगर बात करें रूस की राजधानी की तो मॉस्को है। रूस की करेंसी की बात करें तो रूसी रूबल है। रूस के राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन है। तथा रूस के साथ कौन कौन देश की सीमाएं लगती हैं उसकी बात करें तो दोस्तों रूस की सीमाएँ किससे लगते हैं? नॉर्वे से लगती है, नॉर्वे से फिनलैंड से, एस्टोनिया से, लातविया से। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, हेलसिंकी, लातविया से लगती है, टर्की से लगती है, पोलैंड से लगती है, बेलारूस से लगती है, यहाँ पे मंगोलिया से लगती है दोस्तों, जापान से भी लगती है, नॉर्थ कोरिया से भी लगती है, जॉर्जिया से लगती है, अजरबैजान से लगती है। तो दोस्तों ये सभी देश हैं जिनसे दोस्तों रूस की सीमाएँ लगती हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 464 T-90 टैंकों की खरीद को मंजूरी दी है? तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने रूस के साथ 464 T-90 टैंकों की खरीद को मंजूरी दे दी है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने रूस से 464 T-90 टैंकों को खरीद को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, सुरक्षा कैबिनेट समिति ने रूस से 464 T-90 टैंक की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं इस T-90 टैंक के दोस्तों, 464 T-90 टैंक के अधिग्रहण के लिए टोटल 13,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस रक्षा सौदों में मेक इन इंडिया भी शामिल होगा दोस्तों। इस टैंक का एकीकरण चेन्नई के निकट आवडी में हैवी व्हीकल फैक्ट्री में किया जाएगा। इस अधिग्रहण में दोस्तों नई T-90 रेजिमेंट में 10 इकाइयों की वृद्धि होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है, कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा 464 T-90 टैग से रिलेटेड, तो आप इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ADIBF के 29वें संस्करण के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर किसे चुना गया है? तो दोस्तों ADIBF अबू धाबी बुक फेस्टिवल के लिए दोस्तों हाल ही में उसके 29वें संस्करण के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे देश भारत को चुना गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अबू धाबी बुक फेस्टिवल के 29वें संस्करण के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया है हमारे देश भारत को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों बात करें डिस्क्रिप्शन की तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यूएई ने घोषणा की कि भारत इस महीने 24 से 23 तारीख तक आयोजित होने वाले अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले यानी ADIBF के 2019 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अबू धाबी ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि इस महीने 24 से 30 तारीख तक आयोजित होने वाले अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले यानी ADIBF 2019 में जो गेस्ट ऑफ ऑनर देश होगा वह हमारा प्यारा देश भारत होगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों मेले का उद्देश्य की बात करें तो मेले का उद्देश्य यूएई की समृद्धि विरासत को उजागर करना है, इसकी प्रामाणिकता और आधुनिकता, साथ ही इसके सांस्कृतिक और
साहित्यिक उत्पादन को आप प्रदर्शित प्रदर्शित करना है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें भारत की, तो मेले में भारत की भागीदारी विभिन्न घटनाओं और गतिविधियों के साथ आगंतुकों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि को आकर्षित करने की उम्मीद है, जो कि ADIBF की संपूर्ण अवधि में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों ये है डिस्क्रिप्शन अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे देश भारत को चुना गया है। तो दोस्तों ये था आज का 13 अप्रैल का करंट अफेयर्स का प्रश्न। कल हम दोस्तों फिर हाजिर होंगे नए प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।